So, good evening to surface area and volume. Let's start with the lecture one. Now, in this chapter, आप क्या पढ़ने वाले हो? आप ये जानते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले. तो बेसिकली यहाँ पे क्या डिफरेंट है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स डिफरेंट है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डिफरेंट है. मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो सॉलिड्स को आप कंबाइन करते हो तो सरफेस एरिया क्या होगा, अगर दो सॉलिड्स को आप कंबाइन करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर एक सॉलिड है उसको दूसरे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया तो क्या होगा, इन सारे एस्पेक्ट पे आपको स्टडी करना है. और दो सॉलिड्स वाले कॉम्बिनेशन लेने हैं, तीन सॉलिड्स वाले कॉम्बिनेशन आपके कोर्स में नहीं है. अब जैसे मिसाल के तौर पर अब मान लीजिए ये एक, तो सबसे पहले सरफेस एरिया को हम डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे. देखो सरफेस एरिया मींस जो भी सॉलिड फिगर है उसका जो सरफेस है, मैं इसीलिए टर्म यूज करता हूं एक्सपोज्ड, मतलब जो आपको दिख रहा है. दिखने का मतलब ये नहीं है कि चलो यहां पे ऐसे है, कोई टॉप पे है और मुझे नीचे वाला तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसको पलटोगे तो ये वाला सरफेस तो दिखेगा ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी हमें नहीं दिख रहा. अब जैसे यहां पे इस ढक्कन को मैं खोलूं तो अब ये अंदर वाला सरफेस है, लेकिन जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं तो उस अंदर वाले सरफेस से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सॉलिड फिगर है वो यहां पे ये आउटर सरफेस से ही मेरा मतलब है. लेकिन जब मैं इसको ओपन कर दूंगा, दो पार्ट बना दूंगा, तो अब इस वाले फिगर में भी जो ये आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है, और इस वाले फिगर में भी जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस काउंट हो एरिया कैलकुलेशन. तो इसीलिए यहां पे क्या है कि सरफेस मींस जो सरफेस एक्सपोज्ड है उसका एरिया, वो सरफेस एरिया. जैसे ये कोन है तो जाहिर सी बात है यहां पे एक कर्व पार्ट है, कर्व सरफेस है, और एक यहां पे ये बेस है, दिस वन. तो अगर इसके सरफेस एरिया की बात होगी तो एक तो ये कर्व पार्ट और ये बेस, दैट्स इट. तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करेंगे, जैसे देख रहे हो आप कि जब इसका सरफेस एरिया आप निकालोगे, इसका, ठीक है, कोन का सरफेस एरिया जब निकालोगे तो जाहिर सी बात है आप फॉर्मूला लगाओगे जिसमें आपका जो कर्व पार्ट है और जो बेस है वो दोनों सरफेस एरिया आप ऐड करोगे, करोगे कि नहीं? अगर इस कोन के सरफेस एरिया की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया की, हाँ भाई, ठीक है. इसी तरीके से यहां पे ये बॉल है, तो अगर सरफेस एरिया की बात होगी तो यहां पे ये जो क्लोज बॉल है, तो जाहिर सी बात है यहां पे ये आउटर सरफेस का ही आप एरिया निकालोगे. पर अगर आप इसको कंबाइन कर, मतलब इस कोन को इस के ऊपर रख रहे, अभी जरा इसको नेगलेक्ट कर देना ये जो यहां पे, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली फिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है. अब यहां पे ये आपने कंबाइन कर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. तो अब देखो जब आपने इसको कंबाइन कर दिया तो एक्सपोज सरफेस क्या है, इस कोन का ये कर्व पार्ट और इस बॉल का ये जो कर्व पार्ट है, बस ये एक्सपोज्ड है. तो अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप ये नहीं करोगे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉल, क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि उसमें आपने कोन में फिर बेस का एरिया भी ऐड कर दिया, लेकिन बेस तो यहां पर विजिबल नहीं है ना. देखो समझ में आ रहा है, बेस विजिबल नहीं है और ना ही इस स्फेयर का जो टॉप हट गया है, जो ये था पार्ट, ये भी विजिबल नहीं है. तो विजिबल क्या है, मतलब पूरा एक्सपोज एरिया क्या है, इस कोन का ये कर्व पार्ट
और इस स्फेयर का ये कर्व पार्ट, दैट्स इट। तो अगर मुझे इस सॉलिड का, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं ऐड यहां पे लगाऊंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में इसका बेस भी काउंट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, वालेकुम अस्सलाम जैद, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल। भाई समझ में आया सरफेस एरिया का मतलब? अब इसी तरह ये क्यूब है, अब इस क्यूब की मैं बात करूं तो इस क्यूब के 6 सरफेस है, तो मुझे इसका सरफेस एरिया का निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन मान लो मैंने अब 2 सॉलिड को कंबाइन कर दिया, मींस इस क्यूब के ऊपर मैंने इस कोन को रख दिया, तो अब देखो क्या है, अब आपको क्यूब के सिर्फ 6 सरफेसेस में से 5 सरफेसेस विजिबल है, 1, 2, 3, 4, 5 छठा नहीं विजिबल है। और इसी तरीके से कोन का भी बेस विजिबल नहीं है, यानी बेस जो है वो छुप गया, सिर्फ कर्व रह गया। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में क्या लेंगे हम, मींस हम इसका कर्व पार्ट लेंगे और क्यूब के 4 और 5 सरफेसेस का एरिया सम करेंगे, वो फाइनल सरफेस एरिया आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये नहीं करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, नहीं वो गलत हो जाए। तो सरफेस एरिया में बहुत ध्यान से हमें करना होता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या मतलब, स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं, यानी इसका वॉल्यूम यस क्यूब में क्या हो जाएगा यहां पे, यानी ये जो 4 सरफेसेस हैं, यानी इसका लैटरल सरफेस एरिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ये ऐड होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड होगा, बस। ठीक है, अब यहां पे वही मैं बता रहा था, सरफेस एरिया में बहुत ध्यान हमें देना पड़ता, वॉल्यूम में एकदम ध्यान नहीं देना, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आपने कर दिया, अब इसका क्या हो गया, तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट्स इट, ठीक है। इस पे आपने कंबाइन कर दिया, मान लो ऐसे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स इट, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन पे, तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का था, सरफेस एंड वॉल्यूम, मतलब हम बेसिक चीजों को डिस्कस करें, बाकी तो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं, तो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, फिर वॉल्यूम का डिस्कस किया कि अगर सॉलिड्स कंबाइन कर रहे हैं तो सीधा इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, आपका सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया में क्या करना है हमने अभी डिस्कस किया शुरू से। अब बात करते हैं कन्वर्जन, मान लो ये कोन था, इसको पिघलाया और आपने एक बॉल तैयार कर, तो कन्वर्जन में देखो कॉमन क्या रहेगा, वॉल्यूम। पॉइंट समझ में आया? लेकिन कोन से अब ये बॉल में चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है बॉल के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, कोन के कुछ और डायमेंशंस होंगे, बॉल के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, उसके बाद सरफेस एरिया इसका कुछ होगा और सरफेस एरिया इस बॉल का कुछ होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन कॉमन क्या रहेगा, जो वॉल्यूम इस सॉलिड का है, जब आप इसको पिघलाओगे तो वॉल्यूम इस सॉलिड का वही होगा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि ये पूरा सॉलिड कोन था, इसको पिघलाया और आपने एक स्फेयर तैयार किया जो अंदर से हॉलो है, तो जो हॉलो वाले फिगर्स होंगे, यानी जो सॉलिड्स होंगे, तो वहां पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ आप ये जो मान लो आयरन है, मान लो ये आयरन का बना हुआ, तो जितना आपने आयरन पिघलाया, तो अगर हॉलो बॉल आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है हॉलो बॉल तो और बड़ी बन सकती है। समझ में आ रहा है?
लेकिन यहां पे जो कन्वर्जन की बात हो रही है कि ये सॉलिड आपका है, मीन सॉलिड, इट्स नॉट होलो, इट्स सॉलिड, और ये पूरा आयरन का फॉर एग्जांपल बना हुआ है, तो आयरन को मेल्ट करके जब ये बॉल बनाओगे, सॉलिड बॉल, नो होलो बॉल, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी सेम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन सॉलिड्स को कंबाइन किया गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को, तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देख रहे हैं कि जब ये कोन अलग है तो देखो इसका जो ये बेस पार्ट है ये भी इंक्लूड होगा सरफेस एरिया में, जब ये हेमिस्फेयर अलग है तो इसका जो ये टॉप है ये भी ऐड होगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर रख दोगे तो सिर्फ ये कर्व पार्ट और इसका ये कर्व पार्ट ये सरफेस एरिया में काउंट होगा, ये जो पार्ट है ब्लैक और ये ब्लैक ये काउंट नहीं किया जाए, ब्लर हो रहा है, देखो अब सही हो गया, पॉइंट समझ में आया, सरफेस एरिया में हम ये काउंट नहीं करेंगे, अब देखो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और मैं हमेशा यही कहूंगा, एक तो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है, कॉमन मिलेंगे, ठीक है, कुछ फिगर्स, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स या आपको क्या मिलेगी, कॉमन मिले, ठीक है। तो अब यहां पे वही चीज है कि अगर हम बात करें रशीद, जैसे एग्जांपल वन में बोल रहा है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे, दैट वाज अ प्लेइंग टॉप, ही गॉट दिस वन एज अ बर्थडे गिफ्ट व्हिच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उसके ऊपर कोई कलर नहीं, ही वॉन्टेड टू कलर इट विद क्रेयॉन्स, वो उसके ऊपर कलर करना चाहता था, थोड़ा सा अच्छा दिखे, खूबसूरत सा दिखे, द टॉप इज शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, देखो कोन सरमाउंटेड बाय यानी कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, सेंटेंस का मतलब समझ में आया, कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, ऐसे समझो कोन के सर के ऊपर हेमिस्फीयर, वही समझ में आया, ठीक है। तो कह रहे एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, पूरे टॉप की हाइट 5 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, तो फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, तो जाहिर सी बात है कलर करना है तो इस हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट कलर करेगा और इस कोन का कर्व पार्ट कलर करेगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको डायमेंशन चाहिए, तो अब 3.5 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर है, ठीक है, हेमिस्फेयर के लिए आपको क्या चाहिए होता है आर, हाँ ये ध्यान रखिएगा सारी चीज, जैसे यहां पे लिख रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रॉय, ये सब तो बात की बात है, लेकिन जो डायमेंशंस है उसको पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस दैट विल बी 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर, यस और नो, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहां पे मैं आपको बताता चलूं, अगर मान लो
ये एक सॉलिड है जिसमें R यूज हो रहा है, मान लो ये एक सॉलिड है जिसमें R यूज हो रहा है और दूसरा सॉलिड है उसमें भी R यूज हो रहा है, लेकिन उन दोनों R के डायमेंशंस अलग अलग हैं, सेम क्वेश्चन है, डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो आप उसको अलग वेरिएबल से मार्क करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर आप कोन लोगे तो इसके भी वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच आता है, रेडियस आता है, और अगर आप हेमिस्फेयर लोगे, हेमिस्फेयर तो हेमिस्फेयर के, अच्छा हेमिस्फेयर के क्या फॉर्मूला होता है तो बताना, वॉल्यूम का, चलो वॉल्यूम का, हेमिस्फेयर वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये तो मैंने अभी कौन बताया, ओके यस वेरी गुड, दैट इज 2/3 πr³। अब देखो यहां पे ये कोन, सॉरी कोन नहीं है, सिलेंडर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, कोन का 1/3 πr² होगा और ये क्या है 2/3 πr³, ये किसका है, हेमिस्फेयर का। बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, और इत्तेफाक से दोनों फॉर्मूले आपको सेम क्वेश्चन में यूज करने, तो अगर R की वैल्यू सेम है, मतलब सिलेंडर के भी R की वैल्यू 5 cm है और हेमिस्फेयर की भी R की वैल्यू 5 cm है, तो वहां पे आप R और यहां पे भी R यूज कर सकते हैं, और यही सब पे अप्लाई होगा, H पे, जो जो डायमेंशन है। और अगर मान लो यहां पे R की वैल्यू 5 cm है और हेमिस्फेयर में R की वैल्यू 2.5 cm है, तो यहां पे ये सेम क्वेश्चन अगर है तो यहां पे आप R से मेंशन करोगे, यहां पे R डैश से मेंशन करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे इतनी गलतियां आप लोग करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि चलो यहां पे ये है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कॉमन ले लिया, पता चला उस आर की डायमेंशन अलग थी, इस आर की डायमेंशन अलग थी, लेकिन जैसे यहां पे साथ में लिखा हुआ है ना, देखो ये देखो साथ में लिखा हुआ है, दिख रहा है, अभी आएंगे इस पे, तो जब साथ में लिखा होता है ना और फॉर्मूला डायरेक्ट जो रटा रटाया वो इसको लिख देते हैं, वहां पे गलती करते हैं, फिर जीरो लेके आते हैं घर में, और ये होता है कि अरे सब तो सही किया था, ये हुआ क्या था। तो बहुत ध्यान से यहां पे करना है सॉल्व। तो अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया की कितना पेंट होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे टोटल 5 cm है, तो ये जो हमारी हाइट रेडियस है स्फेयर का कितना हो जाएगा, दैट विल बी कितना हो जाएगा 3.5/2। तो ये R किसका है, हेमिस्फेयर का, ठीक है, 3.5/2, जिसको आप 1.75 cm लिख सकते। और अब आते हैं कोन पे, तो कोन क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वफा कह रही है आर और एल, दैट कह रहे हैं पाई आर एल, रेडियस एंड स्लांट हाइट, वेरी गुड, जैद कह रहे हैं पाई आर एल, यस मोर स्टूडेंट्स, किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या ये दोनों लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि कोन का यहां पे, कोन का हमें क्या लेना है, कर्व पार्ट लेना है ना, देखो ऐसे है। ये है इसमें, तो इसका भी कर्व पार्ट लेना, इसका भी कर्व पार्ट लेना,
क्योंकि दोनों का बेस वेस ये तो सब छुपा हुआ है। यस दैट इज आर, मीन्स आर एंड प्लांट हाइट। जब सीधी सीधी जो होती है अंदर से यहां पे जो एकदम सीधी सीधी हाइट रहेगी वो हाइट है, लेकिन ये जो है दिस इज स्लांट हाइट, दैट इज एल, एल की रिक्वायरमेंट है यहां पे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है आपके पास एल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो वी विल गो फॉर द थ्योरम और यू कैन से वी विल गो फॉर द फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहां पे इन्होंने अलग अलग कैलकुलेट किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पहले स्लांट हाइट निकाली है फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट किया। तो अगर यहां पे हम बात करेंगे, कोन ये हेमिस्फेयर था और ये कोन था और ये पूरी हाइट जो थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमने निकाला कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर बाई टू, दैट मीन 1.75 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। अब हाइट ऑफ कोन क्या होगी, रेडियस ऑफ कोन, देखो अब यहां पे जो रेडियस ऑफ कोन होगा वही रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर होगा, यस और नो। तो इसका मतलब यहां पे जो आर होगा कोन में वो और जो हेमिस्फेयर में आर होगा दोनों सेम होगा, ठीक है। अब आते हैं हाइट ऑफ कोन, तो हाइट क्या हो जाएगी, अब देखो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है, अब इतना 1.75 है तो ये भी 1.75 होगा, तो 5 में से 1.75 को माइनस कर दोगे तो ये बचेगी हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, 5 - 1.75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.25 और 3, दैट इज 3.25 सेंटीमीटर। और हमें पता है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट पहले ही निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द स्लांट हाइट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट अबाउट 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों सबको पता है कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ टॉप, देखो जो निकालना है हमें, वर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं भूलना है, टू बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, दैट मीन्स मतलब जो आपको निकालना है एरिया ऑफ टॉप टू बी पेंटेड, तो उसके लिए क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, उसके लिए क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जब आप इस टाइप से सॉल्व करोगे सब कुछ आसान हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, व्हाट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऑनली कर्व सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, या वेरी गुड, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट विल बी पाई आर एल। अब देखो यहां पे आर और आर सेम रहेगा, मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कभी क्या होगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला में ही, क्योंकि अगर हमने सही तरीके, क्योंकि यहां पे आर है, अगर मान लो ये आर डिफरेंट होता हम इसको ऐसे लिखते पाई आर डैश एल, अब यहीं पे मुझे पता चल गया कि आर और आर डैश डिफरेंट है, कॉमन नहीं ले सकते, ये आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, स्टेप्स बच जाते हैं, कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां पे हमारे क्या है, आर सेम है तो वी विल राइट पाई आर एल। अब देखो पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, यहां क्या बचा 2 आर प्लस एल, तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रख दिया, आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, अपनी आसानी के लिए रख रहे हैं, 2 * r की वैल्यू है 3.5/2,
प्लस एल क्या है 3.7 और एरिया निकालना है सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये आ गया 0.5, ये हो गया 11, ये हो गया 5.5 और 2 कैंसिल, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। व्हाट द पॉइंट? तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिखना, सही लिखना, डायमेंशंस के एब्रिविएशंस या फिर डायमेंशंस के लेटर्स को सही सेलेक्ट करना। सेम डायमेंशन है तो हम सेम लेटर्स यूज करेंगे, अलग अलग डायमेंशन है तो अलग अलग लेटर्स को यूज करेंगे। तो शीजान का आंसर आ गया, दैट इज 39.6। जो अभी मुर्गी के बच्चे अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो गए, मुर्गी के बच्चे लाए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब देखो वही चीज, एग्जाम्पल टू। अब यहां पे कह रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर दिस इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। क्यूब की एज कितनी? 5 सेंटीमीटर, मींस ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यानी ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर, ये डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। तो जरा कॉमन सेंस से बताओ, ये हेमिस्फीयर जब इस क्यूब पे रखा जाएगा, क्यूब यहां पे छोटा है, जब रखा जाएगा तो क्या ये हेमिस्फीयर उस क्यूब के एकदम एज पे टच करेगा या छोटा पड़ेगा? Yes. छोटा पड़ेगा, इट विल लीव सम स्पेस, ओके। तो अब जरा यहां पे देखो कि जब आपने हेमिस्फीयर रख दिया इस क्यूब के ऊपर तो ये हेमिस्फीयर का बेस गायब हो गया, और इस क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर का बेस, जो ये सर्कुलर बेस होगा, उतना उतना जो मीन्स ये जो सर्कुलर पार्ट होगा हेमिस्फीयर का, जब ये क्यूब पे रखा होगा तो इतना क्यूब का सर्कुलर पार्ट वो विजिबल नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब क्या विजिबल होगा? सिर्फ ये किनारे वाला हिस्सा, टॉप सरफेस पे। तो अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में अगर आप गौर से देखें तो एक तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया ये काउंट होगा, दूसरा ये जो विजिबल पार्ट है टॉप का ये काउंट होगा, तीसरा ये जो क्यूब के चारों सरफेसेस है, ठीक है, चारों साइड से ये काउंट होंगे, और ये जो बेस है क्यूब का ये काउंट होगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो अब यहां पे हम अपनी इस चीज को, अपने सॉल्यूशन को सिंपल वे में भी रखें, ऐसा नहीं है जो पार्ट नजर आ रहा है उसको अलग से छोटा सा सॉल्व किया, फिर चार को ऐड किया, फिर एक को ऐड किया, नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली यहां वर्क करें। अब जैसे ही यहां पे फिगर आपने देख ही लिया है तो चलिए यहां पे डायमीटर भी बोल रहा है, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखते हैं एग्जाम्पल टू। तो डायमीटर कितना बोल रहा है? 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर, ये हो गया। एज कितना बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया।
और इस क्यूब और जो है आपका हेमिस्फीयर, इसमें कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जो कॉन्ट्रडिक्ट करे एक दूसरे को, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा अगर गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया बाकी चार सरफेसेस इस क्यूब के जो है, ये चार तो काउंट होंगे, बेस भी काउंट होंगे, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे टॉप है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस प्लस लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो होगा। यानी जो टॉप पे जो जो क्यूब का टॉप है, देखो यहां पे दिख रहा है, देखो बहुत अच्छा, चलो इत्तेफाक से ऐसा फिगर मिला। देखो यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे एक सफेद सर्कल दिख रहा है। तो अब इसका मतलब टॉप में हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में से इस सर्कल के एरिया को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पर तो ये इस हेमिस्फीयर आके एडजस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर स्मार्टली अगर देखो तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बेस से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो अब ये नहीं कर रहे हैं, क्यूब का एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब प्लस लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब के छह सरफेस इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस छठे सरफेस में से सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो रहा है। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर किया। बात वही होगी, कोई डाउट है तो अभी भी पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब ये जो हेमिस्फीयर था इसका कर्व पार्ट ऐड होगा, यहां पे लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का बेस क्या है सर्कल है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वही माइनस होगा, प्लस योर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, यस और नो, सब सही है। ठीक है, अब देखो यहां भी कुछ कॉमन आप नहीं ले सकते, मतलब ऐसा कुछ कॉमन ही है कि इन दोनों कॉमन लिया तो ले लिया, तो ऐसा नहीं, कॉमन वो लेना है जो सारे टर्म्स में हो ताकि कुछ आसानी हो जाए कैलकुलेशन। तो अब ये हो जाएगा 6 इनटू a की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू, हमें देखो जो पाई की वैल्यू सजेस्ट की जाएगी वही लेना है, क्योंकि उसी हिसाब से डेटा और वैल्यूज होती है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। इंटू रेडियस कितना है 2.1 स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 2.1 ये हो गया प्लस 2 इंटू 22 बाय 7, ठीक है, प्लस 2.1 इंटू और प्लस, ठीक है, और एरिया है तो ऑब्वियसली द यूनिट विल बी व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर है। तो देखो ये हो जाएगा 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3, इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है सर, पाई आर स्क्वायर है ये, 2 पाई आर स्क्वायर है, माइनस करिए ना प्लीज, अरे ये पाई आर स्क्वायर है और ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सब पिटेंगे अभी, सबकी ऑनलाइन पिटाई होगी, सॉल्व है, मैंने कहा कोई टोकेगा कोई टोकेगा कोई टोकेगा, लेकिन नहीं हुआ,
तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये दिमाग चलाना है, कहां से टाइम बचेगा, कहां से स्टेप्स बचेंगे, समझ में आया? चलो आप सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 22.7 × 2.1 × 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ कितना है, 625 × 6, इसको बताओ कितना आएगा, प्लस ये वाला पोर्शन क्या देगा, जल्दी 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 जल्दी। अब ये सब आप ही लोगों को प्रैक्टिस करना है। अच्छा सॉरी सॉरी यस हाँ 150 ओके दैट विल बी 150 प्लस 13.86 सो दैट विल गिव यू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ गया, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो आप लोग सरप्राइज हो रहे हो, लेकिन आज जो है क्लास यहीं पे मैं फिनिश करूंगा, ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी लीव मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल के लिए टेम्प्रेरी सेटअप है। और हाँ, जैसे आपको लग रहा होगा कि 28 फेब्सर ने बोला था और ये वो, याद रखिए जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि हाँ मैंने सारी चीजें अपनी तरफ से फुलफिल डिलीवर कर दी, तो ये नहीं है कि 25 फेब इज द लास्ट, ठीक है, वो मेरे ऊपर है, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। 28 फेब तक सर ने बोला था तब तो सारी चीजें फिर कवर हो जाएंगी, फिर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो मेरी टेंशन है, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सटेंड करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन मैं अपनी तरफ से जब कंप्लीट डिलीवर कर लेता हूं उसके बाद ही, ये 10th के लिए स्पेसिफाइड, नॉट फॉर 9th और 8th, क्योंकि 9th और 8th में कब का सिलेबस कोई बोर्ड वोर्ड का चक्कर नहीं होता, उन लोग का सिलेबस तो लैगिंग हुआ, उन्होंने क्लास ही नहीं की प्रॉपरली, ठीक है। तो क्योंकि आपका मैथ्स में ये है प्लस साइंस में, हाँ वो देखो सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी सैंपल पेपर डिस्कशन बाकी है, तो मुझे भी लग रहा है कि अभी टाइम है, तो मैं भी थोड़ा सा स्लो हो गया हूं ना, स्लो इन द सेंस नॉर्मल हो गया हूं, पहले एक्स्ट्रा क्लास ले लेके अब नॉर्मल हो गया। तो डोंट वरी कि 28 फेब एंड ऑल ये सारी चीजें हैं, 10th की अलग रिक्वायरमेंट होती है। हाँ अगर मार्च में पेपर हो रहा होता है तो इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके मैं सारी चीजें कवर कर चुका होता, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, डोंट जस्ट रिमूव 28 फेब फ्रॉम योर माइंड, सारी चीजें कंप्लीटली डिलीवर होने के बाद ही मैं डिसीजन लेता हूं, कोई वैसी प्रॉब्लम की बात नहीं। छब्बीस अप्रैल तक थोड़ी पढ़ाना, 15 मार्च से नया सेशन स्टार्ट करना है मुझे, बट डोंट वरी फॉर दैट, ये मेरे ऊपर है, आई हैव टू डू ना, विस सेशन नेक्स्ट सेशन विद 22 23
अभी तो आपका 21 22 चल रहा है ना, न्यू बैचेस। चलो फिर, ओके देन, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय। कल और परसों मैथमेटिक्स ही रहेगा।